बिल्कुल, देखिए जो भी काफिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनके आवास से निकला था उसे सीबीआई दफ्तर के पहले ही रोक लिया गया है और इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर सारे मंत्री, सांसद और नेता मौजूद हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ठीक सामने आप देखिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। ठीक सामने आप देखिए जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत के अलावा जो आतिशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, गोपाल राय यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के नहीं आते हैं तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे और लगातार हम उनका इंतज़ार करेंगे। ठीक सामने आप देखिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके किसी को भी आगे जाने से रोक रखा है। जो भी मंत्री हैं, जो भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को यहाँ पर रोक रखा है और कहा कि आगे कोई नहीं जाएगा क्योंकि आगे जो काफिला है वो जाने से मना कर दिया गया और सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही जाने दिया गया है। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर रही है, अपने सवालों को उनके सामने रख रही है और उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन आप देखिए लगातार यहाँ पर जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और वो अपनी बात को मीडिया के सामने रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से बाहर नहीं आते, उनके साथ वापस नहीं जाते, तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर डटे रहेंगे और वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप देखिए चाहे वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो या फिर भगवंत मान हो, सभी यहाँ पर बैठ गए हैं सड़क पर और वो यहाँ से जाने वाले नहीं है, ये उनका कहना। और आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें सीबीआई दफ्तर के बाहर नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर सभी नेताओं को रोका गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और यही वजह है कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ से तभी जाएंगे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से वापस आएंगे। ठीक सामने आप देखिए जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं राम निवास गोयल, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और आपको बता दें ये सीबीआई दफ्तर के बाहर का हाल नहीं है, दिल्ली के तमाम इलाकों में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आरटीओ पर जबरदस्त प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला, चांदनी चौक पर देखने को मिला, इसके अलावा दिल्ली के तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करके सड़क जाम किया और अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश की कि किस तरीके से उनके नेता को आज सीबीआई ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्होंने कहा कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक किसी को समन जारी करना पूरी तरह से गलत है, बार बार परेशान करना ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश को नाकाम करने के लिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आप देखिए पंजाब विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो भी सड़क पर बैठे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो संदेश वो जनता को देना चाहते हैं वो संदेश जनता तक पहुंचे, इसीलिए आप देखिए कि वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से तभी जाएंगे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से बाहर आएंगे। बलराम, बातचीत संभव है? हालांकि सभी अपने अपने प्रतिक्रियाएं मीडिया को दे रहे हैं लेकिन क्या बातचीत संभव है? और एक और चीज बताइए, अभी काफी धूप भी है बाहर और लग रहा है कि शायद फुटपाथ पर ही साइड में बैठ गए हैं सभी, क्या संख्या होगी? हम कुछ चेहरे देख रहे हैं बड़े। देखिए आपको बता दें कि लगातार जो काफिला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहा था, वो पूरा काफिला यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ पर दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं वो मौजूद हैं, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं। खुद भगवंत मान ने यहाँ मीडिया से बात की और बताया कि हम यहाँ से तभी जाएंगे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये मैसेज सीबीआई को देने की कोशिश की जा रही है कि जो काफिला अरविंद केजरीवाल के साथ मंत्रियों का, नेताओं का और पंजाब के मुख्यमंत्री का आया था, वो काफिला सीबीआई दफ्तर के कुछ दूरी पर मौजूद है और वो तभी जाएगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से निकलेंगे और उनके साथ वापस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेताओं का संदेश है वो पूरी तरह से साफ है और लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पूरी पार्टी, पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। जी, पूरी सरकार, न सिर्फ दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। संदेश देने की कोशिश लगातार हो रही है। तस्वीरें देखिए आप, इस वक्त बाहर अगर आप निकले होंगे घरों से तो धूप है, आपने देखा होगा, और सभी नेता बैठे हुए हैं। देखिए जरा, हालांकि पानी की व्यवस्था हुई है, पानी बांटा जा रहा है उन्हें, और अब कितनी देर तक सवाल जवाब होते हैं ये बड़ा प्रश्न है। बलराम, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि ऐसा बीजेपी के नेताओं से वो सुन रहे हैं, उनको सोर्सेस बता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर क्या प्लान बी है या कोई स्ट्रेटजी? कई सवाल है। हाँ देखिए जीनत, अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को आदेश दिया होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है तो सीबीआई मना नहीं कर पाएगी और वो मुझे गिरफ्तार करेगी, और इस अंदेशे को उन्होंने कल भी जाहिर किया था और आज भी जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तब भी उन्होंने इस बात को रखा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे, तो उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ये अंदेशा जता दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही सीबीआई करेगी। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को एक वीडियो के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के पास, अपने प्रदेश की जनता के पास पहुंचाने की कोशिश की, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई शराब घोटाले को लेकर के नहीं है, बल्कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए है। और यही वजह है कि आज दिल्ली के तमाम इलाकों में लगभग 15 जगहों पर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और पंजाब की सरकार, पंजाब के कार्यकर्ता और देश के कार्यकर्ता जो भी आम आदमी पार्टी के हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। और इसी संदेश को देने के लिए जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो मीडिया से बात करके अपनी बात को रख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। क्या प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ प्रमोद, प्रमोद अब सवाल, बलराम कोई हलचल हो तो आप जरूर इशारा कीजिएगा, अगर कोई मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देता है कोई नेता तो आप जरूर उसे दिखाइएगा। एक बार मैं प्रमोद से कुछ सवाल ले लेती हूँ। प्रमोद, सवाल तो ये भी होंगे, समीर की सीएम से क्या बातचीत हुई, विजय नायर के साथ किस तरह के रिश्ते थे, विजय नायर की गारंटी किस आधार पर दी जाती है, फेस टाइम पर क्या बात हुई जो आप जिक्र कर रहे थे, सवाल ये भी क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई है, 170 मोबाइल फोन की बात होती है, सवाल तो ये भी हो सकते हैं कि डील से कितनी कमाई हुई है, पैसा कहां लगा है जो हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, ये सवाल ऐसे हैं जो हम लगातार तैरते घूमते देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से। बिल्कुल, लगभग ऐसे ही सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम जो है अभी तक ना तो किसी भी चार्जशीट में है और ना ही किसी भी मतलब किसी एफआईआर में नाम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में कई सारे ऐसे विटनेसेस हैं, एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, कई सारे ऐसे एविडेंस हैं, और जो जिनसे पूछताछ की गई है उन्होंने बताया है, उनका उनके पूछताछ के बाद सीबीआई भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ज़रूर अरविंद केजरीवाल से भी एक बार पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भले ही उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। मैं आपके पास आती हूं बलराम, बलराम के पास कोई अपडेट है? प्रमोद, हम बातचीत करेंगे। बलराम, बलराम।